Uzi with an Uzi with a freaking Uzi. Takedown karenge, lekin Shadow ne dusre player ko bhi down kiya. Ek aur ke upar gaye. Shadow teen Uzi se teen prahar, teen khiladi down, but a grenade. Who is this one? Kyunki dekhte hi dekhte ek player bacha, and it's none other than the super power, the S power. Yeah, आखिरी उम्मीद एस पावर. ये युवा प्रतिभा ने सभी को इम्प्रेस किया है, बट यहाँ पे उसके कंधों पे बहुत बड़ा भार. जोनाथन, बड़े भाई को रिवाइव करना पड़ेगा इस फाइट के अंदर, वापस से मंझना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी दो प्लेयर्स हैं वो तो नॉक फिनिश हो चुके हैं. शैडो को भी रिवाइवल मिल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जोनाथन को मिलता हुआ रिवाइव. अपने टीममेट्स को उठाना बहुत जरूरी है. केमिन की खुशियां कहीं ना कहीं एक मातम में बदल सकती थी अभी. वो एक ग्रेनेड एस पावर का. गोइंग फॉर द बगी स्विच, गोइंग फॉर द बगी बेट. इज ही प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन ली है. दिस इज द क्लासिक विंटेज एस पावर दैट वी हैव सीन इन द कपल ऑफ टूर्नामेंट्स एज वेल. आगे जाएंगे आपू के बिल्कुल साइड लाइन से मूव करके पता चल चुका है खिलाड़ी कहां पर. और देखिए बगी आराम से घुमाई है, कहीं पर टकरा ही नहीं है. एस पावर को उनका एक फिनिश मिल चुका है. कालन भी वहीं पर डाउन है. Shadow revive denge, but Johnathan with the TPP angle spots one. Will he be taking up the fight for himself? Kyunki ye deadly duo hamesha rehta hai taiyar khiladi inke samne. जोनाथन काफी मुसीबतों में रीपोजिशन करना पड़ेगा. एक्जैक्टली यही किया है, बट एस पावर यहाँ पे पूरा जो अटेंशन है वो खींचना चाह रहे ताकि जॉनी अच्छी जगह पे जा पाए, बट वीएलटी ने भी यहाँ पे ओशन दे दिए दस्तक. BLT is here, but SPAR को देखिए बिल्कुल सामने की तरफ आ चुके हैं. Shadow की तरफ से grenade जाएगा. SPAR versus Shadow, this is still happening. एक stun grenade का इस्तेमाल किया गया था SPAR के against Shadow के द्वारा. कालन को उधर ही बुलाया गया है कि यहाँ पर एक player है उसके against fight नहीं है, गोलियां खत्म हो जाएंगी और उसी के कारण SPAR को किया जाएगा down. Shadow the Uzi culprit using Uzi and Uzi and Uzi only players के ऊपर, but team godlike.